दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में रुक रुक कर बारिश हो रही है। यूपी समेत कई राज्यों में बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह जलभराव है। चंदौली में एक स्कूल में बारिश का पानी भर गया और आप देख सकते हैं रायबरेली में सरकारी अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद सड़कें लबालब हो गई। जलभराव की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लोग उससे जूझते हुए नजर आ रहे हैं और ये बारिश बिना रुके हो रही है। इस कारण नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा उफान पर है जिससे घाट जलमग्न है। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी में आए सैलाब से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने 31 अगस्त तक बारिश के साथ तेज हवा चलने के आसार जताए। यूपी के ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर जारी है। अमेठी, चंदौली और रायबरेली की तस्वीरें देखिए। अमेठी के गौरीगंज में बारिश का पानी भरने से पोस्टमार्टम हाउस तालाब में तब्दील हो गया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे लोगों को कई फीट पानी में चलकर जाना पड़ा। आपको बता दें कि यहां नाला बंद होने की वजह से पोस्टमार्टम हाउस में पानी भरा है। वहीं चंदौली में सरकारी स्कूल में पानी भरने से बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बच्चों को पानी के बीच से होकर क्लासरूम तक जाना पड़ा। तो वहीं रायबरेली में जिला अस्पताल में भी बारिश का पानी भर गया। कुछ देर की बारिश से अस्पताल के हालात तालाब जैसे बन गए। मरीजों और तीमारदारों को पानी के बीच से होकर जाना पड़ा। लखीमपुर खीरी में इन दिनों घाघरा नदी कहर बनकर टूट रही है। बाढ़ का पानी लोगों के आशियाने और खेती योग्य जमीन को अपने आगोश में ले रहा है। कटान की रफ्तार देखकर ग्रामीणों में खलबली मच गई है और वो सुरक्षित जगहों की तलाश करते हुए अपने अपने घरों से गृहस्थी का सामान समेटने लगे हैं। कटान रोकने के लिए काफी तेजी के साथ काम किया जा रहा है। 3 JCB मशीन के साथ 100 मजदूर लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर बहुत जल्द कटान पर काबू नहीं पाया गया तो माथुरपुर गांव का वजूद खत्म हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में देर रात रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के चलते एक विशालकाय पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में आकर घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी पूरी तरह से टूट फूट गई। वो तो गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था और इसीलिए यह हादसा बड़ा होने से टल गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारियों ने पेड़ को क्रेन की मदद से हटाकर सड़क किनारे किया। हादसा ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना इलाके के बीटा 1 में हुआ। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद अब गंगा नदी उफान पर है। घाट जलमग्न हो गए हैं। बारिश के पानी के चलते गंगा किनारे रह रहे लोगों को दिक्कतें होने लगी हैं। तस्वीरें आप काशी की देख रहे हैं जहां गंगा नदी अब उफान पर है। प्रयागराज में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जहां गंगा नदी और यमुना नदी उफान पर हैं। गंगा नदी के बढ़े जलस्तर से घाट जलमग्न हो चुके हैं, जिस महाकुंभ को लेकर होने वाली तैयारियों पर भी प्रभावित होता हुआ ये पूरा वाक्या नजर आता है। सीएम योगी ने आज कानपुर में 412 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही रोजगार मेले की शुरुआत भी की। कानपुर के जीआईसी मैदान में सीएम योगी का कार्यक्रम हुआ और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे। सीएम योगी ने कहा कि जो भी सरकारी भर्तियां हो रही हैं उनमें पूरी पारदर्शिता के साथ चयन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार में यूपी में तेजी से विकास हुआ है। 2017 से पहले यूपी की जो पहचान थी उसे निकलकर अब यूपी विकास के पथ पर आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। 32 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण बटन दबते ही कानपुर के विकास में इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं, इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा कर पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है। और यहां पर
इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है। यह दृश्य देखना है तो सीसामऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति, जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसामऊ को, कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा, एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से उस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। समाजवादी पार्टी जम्मू की 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर के प्रदेश एसपी अध्यक्ष जिया लाल वर्मा शनिवार को लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलेंगे और इसी दिन शनिवार तक टिकट फाइनल होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि एसपी कठुआ, बनी, जसरोटा, हीरानगर, सांबा, विजयपुर, आरएसपुरा, गांधीनगर नॉर्थ, अखनूर और नगरोटा सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कि जो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं उन्होंने हमारे साथ संपर्क किया और हमने 10 लोगों की लिस्ट जो फाइनल की है उसके लिए हम समाजवादी पार्टी लखनऊ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से हमने समय लिया है। अखिलेश यादव जी ने हमें परसों के लिए समय दिया है, हम उनके साथ इन कैंडिडेट्स के नामों की चर्चा करेंगे।